जय हिंद साथियों, ओआरओपी में विसंगतियों के बाद जगह जगह पर पूर्व सैनिकों द्वारा ओआरओपी प्रोटेस्ट चल रहा है। खासकर एक महीने से ज्यादा लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अब इसमें से एक संगठन ने एएफटी आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट में अधिकारों की लड़ाई के लिए केस फाइल कर दिया है। क्या है वो डिटेल जानकारी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मेरा आपसे अनुरोध है, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये ओआरओपी केस अपडेट है। ये अपडेट दिया है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से। ये अपडेट दिया गया है यहाँ पर। ये जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये जो सारा चार्ट है ये विसंगतियों का चार्ट है, यानी कि ओआरओपी 1 में क्या विसंगतियां थी उसके बारे में यहाँ पर डाला गया है, जिसमें उन्होंने नायक एक्स ग्रुप, नायक वाई ग्रुप, होल्डर एक्स ग्रुप, होल्डर वाई ग्रुप, नायक सुबदार वाई ग्रुप, नायक सुबदार एक्स ग्रुप को लिया गया है। यहाँ पर इयर्स ऑफ सर्विस है जो कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर डिफरेंसेज इन बेसिक पेंशन नंबर इनका क्या रहा वो है, और एरियर्स इनको जुलाई 14 से लेकर जून 19 तक कितना मिला ये आप देख सकते हैं, और जिन्होंने लिया है ये उनको पता है। तो डिटेल जानकारी इन्होंने क्या डाला है वो हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने नीचे लिखा कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने ओआरओपी 1 में डेटा शीट तैयार की, उसका विश्लेषण करने पर पाया कि नायक वाई ग्रुप में 105 रुपए से 248 रुपए का डिफरेंस था, और हवलदार वाई ग्रुप में 100 रुपए से लेके 219 रुपए का डिफरेंसेस पाया गया। नायक एक्स ग्रुप में 625 से 930 रुपए का डिफरेंसेस था, और हवलदार एक्स ग्रुप में 2050 से 463 रुपए का डिफरेंसेस पाया गया। अर्थात ओआरओपी जो फॉर्मूला के अनुसार उपरोक्त राशि कम निर्धारित की गई है। इसी तरह नायक सुबदार के साथ किया गया पूर्व सैनिक समाज के अधिकारों के लिए, इसमें जो नाम दिए हैं श्री राजीव बहल जी, जितेंद्र देव जी और किशोर बालाजी के द्वारा एएफटी में केस फाइल कर दिया गया है। और उन्होंने आगे कहा कि जिसका जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल है। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि इसीलिए सरकारी वकील डेट लेकर भाग जाता है। आखिरी बहस में जज ने कहा कि अगर जवाब नहीं आया तो हम पूर्व पक्ष को आदेश देंगे। सुनवाई 21/3/2023 को हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। द हियरिंग वॉज ऑन 21 मार्च 2023। फिर आगे उन्होंने लिखा कि यह 100 से 500 रुपए मासिक की बात नहीं है, यह हमारे अधिकारों की बात है, और प्राधिकरण को अदालत में खींच कर यह बताया जाना चाहिए कि अब जेसीओज एनसीओज वार्ड्स जाग गए हैं, तो यानी एक रुपए की भी कटौती बर्दाश्त नहीं करेंगे, रुपया लेना हमारा हक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा इवन 1 रुपीज इज इन अवर राइट्स। यहाँ पर ये इनके कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी ने ये डाला हुआ है जो कि अपडेट दिया है। तो दोस्तों हम ये सोचते हैं कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है के हक में ये लड़ाई लड़ रहा है, एमएसपी का भी केस लड़ रहे हैं जिसमें हमें जीत की पूरी पूरी संभावना है, तथा इस केस में भी जीत हो ऐसी हम कामना करते हैं और हम इसका स्वागत भी करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, फिर मिलते हैं एक किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।